IVF का जो फुल फॉर्म होता है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मली जो प्रक्रिया औरत के गर्भ में होती है और किसी वजह से वो प्रक्रिया उनके अंदर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मरीजों में वही प्रक्रिया हम बाहर लैब में करते हैं। IVF का मतलब 100% सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप किस एज पर IVF करा रहे हैं। जो गोल्डन एज होती है IVF कराने की वो लेट 20 से लेके अर्ली 30s होती है, मतलब आप बिटवीन 25 से लेके 35 तक बोलो तो ये बेस्ट एज होती है जिसमें सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपनी बेबी नॉर्मली होता है, जैसे नॉर्मल बेबी सारे होते हैं सेम वैसे ही बेबी होता है, बेबी में कोई अंतर नहीं होता है। IVF का मतलब ट्विंस ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ लेकिन IVF में ट्विंस प्रेगनेंसी ज़्यादा देखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें जो महिलाएं परेशान रहती हैं, जिसकी वजह से उनका घर टूट जाता है, उसके लिए उन्होंने एक पहल शुरू करी और पिछले 10 सालों से वो ये सेवा प्रदान कर रही हैं। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, अलीगढ़ से बाहर भी। उनका नाम है डॉक्टर स्वाति वाशने, जो इस समय इंदिरा IVF रवि हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं पिछले 7 to 8 ईयर से। आज हम उनसे जानेंगे कि IVF होता क्या है और इससे वो कैसे समाज की सेवा कर सकती हैं, न जाने कितने घरों को टूटने से बचा सकती हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया। मैम मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति वाशने, मैं इंदिरा IVF रवि हॉस्पिटल में IVF की प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 5 सालों से अनिसंतान दंपतियों का इलाज कर रही हूँ। ओके मैम, मैं एक यहाँ पे सवाल आता है कि IVF होता क्या है? ओके, IVF का जो फुल फॉर्म होता है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मली जो प्रक्रिया औरत के गर्भ में होती है और किसी वजह से वो प्रक्रिया उनके अंदर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मरीजों में वही प्रक्रिया हम बाहर लैब में करते हैं, जिसमें हम औरत का अंडा उसके शरीर से बाहर निकाल के और आदमी का शुक्राणु ले के बच्चा लैब में बनाते हैं। जब वो बच्चा पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है तो वो बच्चा हम उस औरत के गर्भ में डालते हैं। तो IVF का ये कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर आपका बॉडी के अंदर हो रहा है वो प्रोसीजर हम बॉडी के बाहर करके टेस्ट ट्यूब में करके फिर उसको माँ के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए उसको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। मैम यहाँ पे एक सवाल आता है एज का कि हमें किस एज से किस एज तक ये IVF कराना चाहिए या किस एज के बाद ये संभव नहीं। जो अभी दीपक जी जो रिसेंटली अब ART बिल आया है 2022 में, उसके हिसाब से जो मिनिमम एज औरत की होनी चाहिए वो 21 है और मैक्सिमम एज 50 इयर्स है। तो बिटवीन 21 से लेके 50 के बीच में अपनी औरतें IVF करा सकती हैं, और जहां तक आदमियों का संबंध है तो उनकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 55 है। और वैसे मैम एक सवाल ये होता है कि IVF हमारा जो IVF जो लेडीज ने कराती है वो किस टाइप के लोगों को कराना चाहिए? देखिए IVF किसी को करा लेना चाहिए या IVF का भी कुछ टाइप होता होगा ना मैम? देखिए टाइप का मतलब हर किसी को कराने की IVF की जरूरत नहीं है। जो औरतें नॉर्मल तरीके से अपने आप नेचुरल कंसीव कर सकती हैं उनको तो ज़रूरत है नहीं। कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको थोड़ी सी दवाइयों द्वारा भी कंसीव किया जा सकता है तो उनमें भी IVF की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा IVF से भी लेस इन्वेजिव प्रोसीजर हैं जैसे IUI, बहुत सारी औरतें उससे भी लाभान्वित हो चुकी हैं तो उनको भी IVF की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी औरतें जिनमें ट्यूब्स बंद हैं, जिनकी ट्यूब्स डैमेज हैं, जिनकी ट्यूब्स निकाली जा चुकी हैं, या फिर जिनके हस्बैंड में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम जैसे कि उनको प्रॉपर तरीके से पानी उनका नहीं निकल रहा या उनके शुक्राणु में काफ़ी कमी है, ऐसी औरतों को, या जिनमें कोई भी कॉज नहीं पता चलता। कई सारी ऐसी औरतें हैं जिनमें सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड में भी नॉर्मल है, ट्यूब्स भी नॉर्मल है, लेकिन कोई कॉज नहीं है और फिर भी बच्चा उनको नहीं हो पा रहा, ऐसी औरतें IVF द्वारा बच्चा ले सकती हैं। मैम यहाँ पे एक सवाल होता है कि एक भ्रम है कि भैया 100 अगर मैंने IVF करा है तो मैं 100% प्रेगनेंसी होगी, क्या ये सच है या मैम ये भ्रमित है? नहीं, ये भ्रम है पूरा। IVF का मतलब 100% सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप किस एज पे IVF करा रहे हैं। जो गोल्डन एज होती है IVF कराने की वो लेट 20 से लेके अर्ली 30s होती है, मतलब आप बिटवीन 25 से लेके 35 तक बोलो तो ये बेस्ट एज होती है जिसमें सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती है,
वैसे वैसे सक्सेस धीमे धीमे करके कम हो जाता है। तो IVF में भी 100% सक्सेस नहीं होता, लेकिन और प्रक्रिया के कंपेरेटिवली IVF में सक्सेस के ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैम देखिए, बहुत सारी जो महिला होती हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनके दो दो तीन तीन लड़कियां हो चुकी होती हैं जी, उनको ऐसा मानना है उनका कि अगर मैं IVF कराऊं तो मुझे लड़का होगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है मैम कि लड़का IVF का कराने का मतलब कि लड़का ही? नहीं दीपक जी, ऐसा कुछ नहीं है कि IVF का कराने का मतलब सिर्फ लड़का होगा, ऐसा नहीं है। जितना चांसेस लड़की होने का है उतना ही चांसेस लड़का होने का है। तो अगर ये सोच के इंसान कोई कराए IVF कि मुझे लड़का ही चाहिए इसलिए मैं IVF करा रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल गलत भ्रांति है लोगों के बीच में। मैम जैसे कि हम देखते हैं कि IVF कराने की आज की डेट में लोगों को जरूरत पड़ क्यों रही है, अगर हम पास उठा के देखें तो नॉर्मली हर किसी के यहाँ 3 या 4 बच्चे होते जी, जी, जी। लेकिन आज के दौर में लोग ये सोचते हैं कि 3-4 बच्चा ना हो, एक ही हो जी। लेकिन आज या तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं शादी के बाद 2-4-5 साल जी। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये चीजें प्रॉब्लम है, नहीं हो रही, जी, प्रॉब्लम हो चुकी जी, है जी। उसके बाद IVF कराते हैं। तो मैम ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसकी दिक्कत क्या है? क्या औरतों में कमी होती जा रही है या आदमियों के अंदर कोई कमी है, क्या है समस्या? इसका जैसे मेन रीजन जो देखा गया है कि आजकल लेट शादियां हो रही हैं। पहले आपकी 1920s में शादियां हो जाती थी, आजकल 30s में जाके शादियां हो रही हैं। तो एक कॉज ये है कि आपकी शादी लेट हो रही है। जो वुमेन का सबसे फर्टाइल टाइम होता है वो 20-30 के बीच में होता है, तो वो जो फर्टाइल टाइम है वो उनका निकल जाता है। शादी होने के बाद भी बहुत सारी औरतें तुरंत कंसीव करने के लिए नहीं तैयार होती, उनमें भी वो 3-4 साल और लगा देती हैं। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा आपका जो हो रहा है कम हो रहा है। प्लस पहले की जो लाइफस्टाइल थी उसमें औरतें बहुत सारा काम करती थीं, घर से लेके बाहर का सारा। थोड़ी सी आजकल की लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई है, प्लस पोल्यूशन है, रेडिएशन है, मोबाइल फोन्स है, इन सबका जो रेडिएशंस है इसका असर फीमेल की बॉडी और मेल की बॉडी दोनों पे ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खान पीन भी हमारा जिम्मेदार है जी, खान पीन का भी जिम्मेदार बहुत है। आज के दौर में लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड, मिठाइयाँ, डब्बे वाले जूस, पैकेट वाले चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उसका भी बहुत असर पड़ता है आपके। जो आज की डेट में मैम मैं देखता हूँ कि आज कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो नॉर्मली बिस्तर पे ही पड़ी रहती है, लेकिन अगर हम पुराने जमाने में देखें तो पूरा काम करते थे अपने लास्ट टाइम तक। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को धारणा बन गई है कि अब तो हमारे पास IVF है, अगर नहीं होगा तो हम उसके थ्रू कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हैं औरतें जो काम करती हैं, ठीक है। IVF कराने के बाद थोड़ा सा वो एक्चुअली IVF वो तभी कराते हैं जब वो सारे प्रोसीजर फेल हो चुके होते हैं, जब उनकी लिमिट ख़त्म हो चुकी होती है। तो इतने डिप्रेस होते हैं और साइकोलॉजिकली इतने परेशान होते हैं कि जब वो एक बार IVF से कंसीव हो जाते हैं तो उनको लगता है कि किसी तरीके से मुझे ये बच्चा मिल जाए, चाहे मुझे बेड पे पड़ा रहना चाहे चाहे रेस्ट करना पड़े। लेकिन ये भी एक भ्रांति है, IVF में आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ मरीजों को बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है जिनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, सिर्फ उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। नहीं तो आप नॉर्मल जो डेली रूटीन वाला काम है आप वो कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि शहर की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या अपने अलीगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, वो बोर्डों से जुड़े हुए हैं, टीवी भी देखते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है इसके लिए, उसको भी पता चलता है, तो वो एक तरीके से अवेयर है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ ग्रामीण क्षेत्र की, जो औरतें होती हैं वो ज्यादातर इंटरनेट से दूर है जी, थोड़ा सा अभाव है उनके अंदर, एक हिचकिचाहट भी होती है कि वो कहें तो कहें किससे, लेकिन उनके अंदर भी मन होता है कि मुझे भी औलाद चाहिए जी, तो वो एक तरीका अपनाती है कि मैं बच्चा गोद ले लेती हूँ। लेकिन आज भी माहौल ऐसा है कि अपने बच्चे को ज्यादा मान्यता होती है गोद लेने की अपेक्षा। तो मैम ग्रामीण क्षेत्रों को आप किस तरीके से देखती हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करती हैं? ऐसे पेशेंट भी तो आपके पास आते हैं? जी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीज आते हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी काफी जागरूक हो गए हैं, एक दूसरे से पता चल जाता है उनको। आजकल कई कई साल की शादी के बाद बच्चे गोद लेने के बाद भी आजकल वो करा रहे हैं, और इवन सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं उनको, क्योंकि IVF के लिए खर्चा करने के लिए जिसमें एक EMI ऑप्शन भी होता है। ग्रामीण औरतें इस तरीके की जब हैं तो हम उनको पूरी तरीके से जितना भी समझा सकते हैं सब समझाते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से खान पान से और IVF द्वारा उनको हम एक अच्छा संतान, मतलब एक संतान दे सकते हैं। क्या मैम हम इसको ये कह सकते हैं कि IVF भी एक तरीके से नॉर्मल डिलीवरी ही है, जिस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होती है उसी तरीके से ये नॉर्मल डिलीवरी है या इसमें कुछ चेंजेस होते हैं? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी
तो डिफरेंट, वो डिलीवरी चीज तो अलग हो गई ना, ये तो अभी हमारी प्रेगनेंसी है। मैम प्रेगनेंसी जो बच्चा होता है, मेरा सवाल वही है कि जब प्रेगनेंसी होगी आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंट होगी तो वो डिलीवरी जो होगी वो उसी तरीके से नॉर्मल बेबी की तरह होती है? नहीं, बेबी नॉर्मली होता है, जैसे नॉर्मल बेबी सारे होते हैं सेम वैसे ही बेबी होता है, बेबी में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल बेबी सारे दिखते हैं, जैसे उनकी ग्रोथ होती है, जैसे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, जैसे उनकी आईक्यू होती है, नॉर्मल बेबीज की जो नॉर्मल तरीके से कंसीव करते हैं, तो आईवीएफ के बेबी में ही सेम चीजें होती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आईवीएफ का बेबी कुछ अलग होता है, या आप बाहर जाएंगे तो आईवीएफ का बेबी अलग से दिखेगा और नॉर्मल बेबी अलग दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैम बहुत से जो महिलाएं होती हैं, बहुत से लोग जो अवेयर नहीं होते, उनके अंदर एक धारणा भी होती है कि क्या ये मेरा ही बच्चा है? जी, ऐसा तो नहीं है किसी डोनर के थ्रू किया हो या पैसे लेके किया हो, क्या मेरे पति में कुछ कमी थी या मुझ में कुछ कमी थी तो किसी से और से डोनेट किया, तो उनके मन में एक ये शंका रहती है, तो क्या ये होता है या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पेशेंट खुद नहीं चाहता है डोनर के लिए, तब तक हम ऐसे जबरदस्ती किसी को डोनर नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप करेक्ट एज पे अपना आईवीएफ कराते हैं तो आप अपना खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट जिनमें प्रॉब्लम होती है, जिनको ज़रूरत होती है डोनर की, सिर्फ उन्हीं को डोनर दिया जाता है, और वो भी पेशेंट को और उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों को समझा के, उनकी सहमति लेके, उनके साइन कर लेके तभी किया जाता है। मैम इसका कोई एग्रीमेंट होता है या वर्बली होता है सब कुछ? नहीं, पेपर वर्क होता है, पूरा पेपर वर्क करके किया जाता है, उनके साइन लिए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, तभी किया जाता है। विटनेस भी लेते होंगे मैम? जी, विटनेस के भी साइन होते हैं कि वो इस चीजों के लिए तैयार है, तभी किया जाता है। मैम एक धारणा और है, आईवीएफ के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों में से एक सवाल ये भी है कि लोगों का मानना है कि आईवीएफ मतलब ट्विंस। नहीं, आईवीएफ अगर हो रहा है तो ट्विंस ही होगा, तो ये जरूरी है मैम? नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, आईवीएफ का मतलब ट्विंस ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसी ज़्यादा देखी गई है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल प्रेगनेंसी के, लेकिन आईवीएफ का मतलब सिर्फ ट्विंस नहीं है, आईवीएफ में सिंगल प्रेगनेंसी भी होने के उतने ही चांस हैं जितने ट्विंस के, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी से कंपेयर करें तो आईवीएफ में ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली दो हम बच्चे रखते हैं सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, तो उसमें ट्विंस के चांसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मैम एक सवाल यहाँ पे आता है कि अगर हम शहर की बात करें, एक अच्छी खासी फैमिली या दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं या अच्छी अर्निंग हो रही है, तो उसमें वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आईवीएफ नॉर्मल तो है नहीं, कॉस्टली तो होता ही होगा। जी जी, पूरी लाइफ का सवाल होता है, तो क्या ये ग्रामीण क्षेत्र के या जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, क्या वो ये आईवीएफ की सुविधा ले सकते हैं क्या, गवर्नमेंट की साइड से या हॉस्पिटल की साइड से, या मैं आप ही की बात करूं, आपकी साइड से क्या कुछ गरीब तबके के लोगों के लिए इसके लिए कुछ आप प्रोवाइड करती हैं या डायरेक्टली? जी होते, इनके लिए ग्रामीण जो लोग होते हैं उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं स्टार्ट कर दी हैं आईवीएफ द्वारा, जिनको संतान मिल सकती है, उसमें से एक ईएमआई ऑप्शन है, तो ईएमआई ऑप्शन द्वारा भी धीमे धीमे करके वो अपना पेमेंट कर सकते हैं और आईवीएफ द्वारा अपने ले सकते हैं, संतान ले सकते हैं। अगर कॉस्टली है तो हॉस्पिटल उनको ये सुविधा देता है कि उसको आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल की अपनी। हाँ, ये इंदिरा आईवीएफ रवि हॉस्पिटल में भी इस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है। मैम एक सवाल है यहाँ पे कि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ आपकी हमारी या नॉर्मली जो आने वाली एज है या 30-40 की एज के जो बंदे हैं वो जानते हैं ये सब चीज़ें और अवेयर भी हैं, लेकिन अपर अगर मैं 50-60-70 साल की बात करूँ जो हमारे पुराने दादी बाबा या अम्मा है, उनका क्या होता है कि वो सोचते हैं इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, बॉडी बेकार हो जाएगी, तो क्या ये हेल्थ इश्यूज होते हैं मैम इसमें? नहीं, ऐसा कोई सीरियस हेल्थ इश्यू नहीं होता जिससे कि आपकी बॉडी बर्बाद हो, बाकी ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर वो अपने को कैसे मेंटेन करता है। मैम खान पीन की कुछ ना कुछ कैटेगरी तो होती होगी इसमें, आप कुछ ना कुछ तो बता, जिस तरीके से नॉर्मल कंसीव करती है लेडीज तो उसकी खान पीन उस तरीके से? नहीं, सेम होता है, खान पीन में कोई अंतर नहीं होता, जैसे नॉर्मल कंसीव करके नॉर्मल पेशेंट औरतें कंसीव करके प्रेगनेंट होती हैं, वैसे ही उनको हम आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी द्वारा कंसीव करती हैं वैसा ही बताते हैं खान पान का। ठीक है, लेकिन हाँ जो थोड़ा मतलब लेट एज में कंसीव कर रही हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप लेट कंसीव करोगे उसमें आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस हैं, जिसमें से जैसे एक ब्लड प्रेशर है, शुगर की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो ऐसी औरतों को जो थोड़ा सा एडवांस एज में या कह दीजिए लेट एज में अगर कंसीव कर रही हैं तो उनको बस खाने पीने का थोड़ा सा हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसी भी होती हैं जब प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है तो उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, मोटे हो जाते हैं,
या कुछ भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या आईवीएफ के बाद भी ये नॉर्मल होता ही है या जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वैसे आईवीएफ में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं? मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स डिपेंड करती हैं कि आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि उनको शुगर है, उनको पता नहीं होता उनको ब्लड प्रेशर है क्योंकि उन्होंने कभी मेजर नहीं करवाया, तो आईवीएफ के लिए जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब पता चलता है उनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है। ऐसे में वो जब कंसीव करती हैं तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एज पे किस एज पे करा रहे हो। यंग एज में ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, लेकिन सेम जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे ही आईवीएफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैम आईवीएफ का भी एक क्राइटेरिया होता होगा आपका कि जब भी कोई भी लेडी आपके पास आईवीएफ के लिए आती होगी तो आप उनका बॉडी चेकअप करती होगी, आप उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसा तो जरूरी नहीं होता होगा, प्रॉब्लम है तो आप स्ट्रिक्टली बोल देते होंगे कि आप आईवीएफ नहीं करा सकते क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टेस्ट तो होता होगा यार। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, आईवीएफ तो ज्यादातर महिलाएं करवा सकती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ पर्टिकुलर होते हैं, अब जैसे एज का क्राइटेरिया भी आरटी बिल के थ्रू आ गया है, अगर आप 50 से ऊपर आओगे तो हम आपका आईवीएफ नहीं कर सकते। ऐसी औरतें जिनके पास और कोई सीरियस इश्यूज हैं जिनका आईवीएफ या किसी भी ट्रीटमेंट से या प्रेगनेंसी करने पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मना है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं आईवीएफ द्वारा बच्चे को प्राप्त कर सकती हैं। मैम जैसे कि मैं देखता हूं कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आईवीएफ पहली बार में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता, क्या ये भ्रम है या सच है? ये भ्रम है, ऐसा नहीं है कि आईवीएफ पहली बार में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको पहली बार में ही सक्सेस मिला है और उन्होंने हेल्दी बेबी भी डिलीवर किया है। एक तरफ ये भ्रांति है कि आईवीएफ एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता, दूसरी तरफ ये भ्रांति है कि आईवीएफ अगर एक बार फेल हो गया तो हम दोबारा नहीं करा सकते। आप आईवीएफ कितनी कई बार करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता तो दूसरी या तीसरी बार में कई बार औरतें कंसीव कर सकती हैं। तो ये पूरा भ्रम है कि आईवीएफ पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या ये भी भ्रम है कि आईवीएफ अगर एक बार फेल हो गया तो दोबारा नहीं कराना चाहिए, ये भ्रम है पूरा। मैम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर सपोज करो फर्स्ट टाइम आईवीएफ कराया तो उसको लड़की पैदा हुई तो वो एक अलग आईवीएफ के लिए मतलब नेक्स्ट आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकती है कि लड़के के लिए, लेकिन ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की, बच्चा अप करने की पूरी कोशिश की जाती है, वो बच्चा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। मैम एक क्वेश्चन होता है ट्विंस जब होते हैं तो क्या वो दोनों ट्विंस लड़की हो सकते हैं या लड़का लड़की भी होते हैं? कुछ भी हो सकता है, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं ट्विंस में, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, वो पेशेंट की किस्मत है और भगवान की मर्जी है। तो आज थी हमारे साथ डॉक्टर स्वाति वाशने, उन्होंने हमें बताया कि आईवीएफ क्या है, किस उम्र में इसका यूज़ करना चाहिए, किस किन किन औरतों को या किन किन मर्दों को इसका लाभ उठाना चाहिए और किस टाइम पे ये सक्सेसफुल होता है। मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मैम की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आईवीएफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वारी हो मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम के हॉस्पिटल पर विजिट कर सकते हैं और उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार मैडम से कंसल्ट करने का मौका जरूर लें, उसके बाद ही आप आईवीएफ प्लान करें। मैं दीपक दुबे, एचबीएन न्यूज़ अलीगढ़, धन्यवाद।